नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति मंडूला। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीती रात राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को दशकों तक केवल आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद दिया है। उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद हटने के बाद पूरा यकीन है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों को अमेरिका ने फिर से दोहराया है कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने को कहा है। राज्यपाल सतपाल मलिक ने प्रशासन के अधिकारी को ये हिदायत दी है कि वह रोजाना काम कम से कम 20 परिवारों में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें और जरूरत के सामान की उपलब्धता की जानकारी भी हासिल करें। इस बीच आवश्यक सामानों की बिक्री के लिए मोबाइल वैन भी उतारी गई है। समझौता एक्सप्रेस 76 भारतीय और 41 पाकिस्तान नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। बता दें, पाकिस्तान ने बीते दिन समझौता एक्सप्रेस को भारत में भेजने से मना कर दिया था और ट्रेन को बाघा सीमा पर छोड़ दिया था। पाकिस्तान ने ये कदम भारत के अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी खंडों को निरस्त करने के बाद उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने सुरक्षा बलों को अनुदेश दिए हैं कि पाबंदियों के बीच किसी भी स्थिति में आम जनों को परेशान ना किया जाए। इस बीच राज्यपाल सतपाल मलिक ने मौजूदा हालात की समीक्षा करते हुए प्रशासन को आम जनता तक पहुंचने को कहा है ताकि हर तरह की परेशानी का हल निकाला जा सके। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित अमित जी द्वारा संचालित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पहाड़िया वाराणसी स्थित बना पूर्वांचल का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए और बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए आए अशोका इंस्टीट्यूट और एडमिशन के लिए संपर्क करें हमारे दिए गए नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। बढ़ते हैं अपनी आगे की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी सरकार के गेस्ट हाउस मध्य लोक का उद्घाटन करने नवी मुंबई के वाशी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समय ही बताएगा कि मोदी सरकार द्वारा हटाई गई धारा 370 कश्मीर में कितनी शांति लेकर आती है। उनके इस कदम से रोजगार के कितने मौके बनते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में कितनी कमी आती है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बाढ़ का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। वहीं कोची हवाई अड्डे पर 11 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सभी विमानों का परिचालन रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक केरल में अभी तक बाढ़ के कारण 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के शानदार बहुमत के कारण उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। भाजपा ने एक बयान में कहा है कि पार्टी ने 26 अगस्त को होने वाले उपचुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव दुष्कर्म कांड में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर उनके रिश्तेदार निपेंद्र सिंह ने पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। निपेंद्र ने का कहना है कि इससे साफ हो जाएगा कि सेंगर बेकसूर है और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वैज्ञानिकता के आधार पर सबूत मिल जाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही तमाम खबरों के साथ।